गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास 8th चैप्टर नंबर 14 हिस्ट्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद भारत. इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस. लर्न अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय अ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ऑल्सो नो अबाउट द स्टेप्स इट टूक टू ओवरकम देम. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम ऊपर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे और उन चुनौतियों का के बारे में भी जानेंगे जिनको कि भारत को स्वतंत्र कराने में झेला गया, उनका सामना किया गया, और उन स्टेप्स के बारे में यानी उन कदमों के बारे में भी जानेंगे जो कि भारत को जीतने के लिए या भारत के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ के लोगों ने उठाए. ठीक है, तो क्वेश्चंस ये हैं आपके. क्विंटेड जवाहरलाल नेहरू डिलीवर हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच और वाई सरदार पटेल नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड फुल फॉर्म्स ऑफ नाम एंड सार्क. इन क्वेश्चंस के जवाब भी हमको मिलेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का बंटवारा. करें 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया. इंडिपेंडेंस केम विद मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद स्वतंत्रता मिली थी हम लोगों को. द टू इमीडिएट चैलेंजेस वर द री इनहेबिलिटेशन ऑफ द ह्यूज रिफ्यूजी पॉपुलेशन विच केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद द इंडियन मेनलैंड. जो तुरंत की चुनौतियाँ थी जो कि सबसे पहले हमारे भारत स्वतंत्र भारत के सामने आई वो क्या था कि बहुत बड़ी संख्या में जो रिफ्यूजी की पॉपुलेशन थी यानी शरणार्थी जो थे जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे उनको फिर से उनका घर बसाना था. एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विद द इंडियन मेनलैंड, और पुराने समय में राजा महाराजाओं के पास जो राज्य थे उनको इंटीग्रेट करना था भारत की मुख्य भूमि में, यानी भारत की जो पूरा भारत वर्ष बनना था उसमें प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करना था. द पार्टीशन ऑफ इंडिया लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान. भारत के बंटवारे की वजह से दो स्वतंत्र राष्ट्र बने जिनके नाम भारत और पाकिस्तान है. पाकिस्तान हैड अ प्रीडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, पाकिस्तान में पहले से ही मुस्लिम जनसंख्या का वर्चस्व है. पोस्ट पार्टीशन अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल, कह रहे हैं पार्टीशन के समय बहुत बड़े पैमाने में या बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया या एक जगह से दूसरी जगह गए. भारत से भारत के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाने लगे और पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो भारत में भागने लगे. तो इस तरीके का जो माइग्रेशन था वो टुक प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में हुआ. मेनी हिंदूज एंड सिख्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान माइग्रेटेड टू इंडिया, बहुत से हिंदू और सिख पाकिस्तान के हिस्सों को छोड़ करके भारत में माइग्रेट करने लगे. साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने लगे. द माइग्रेशन वॉज एकम्पनीड बाई अनप्रेसिडेंटेड कम्यूनल वायलेंस, इस माइग्रेशन में जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हो गई यानी धर्म के नाम पर लोग लड़ाई करने लगे. ब्लडशेड, खून खराबा हो गया एंड इमेंस हार्डशिप्स और बहुत ही कठिन जो परिस्थितियां थी वो आ गईं साधारण लोगों के लिए. इमेंस हार्डशिप्स, बहुत ही ज़्यादा उनका जीवन कठिनाई से भर गया. द वायलेंस वॉज इवेंचुअली स्टॉप्ड बाई द कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ बोथ द इंडियन एंड पाकिस्तानी लीडर्स. ये जो हिंसा हुई थी या जो कह लो लड़ाई झगड़ा हुआ था, आखिरकार इसे भारत और पाकिस्तान के नेताओं के सहयोग से और उनकी कोशिशों की वजह से रोक दिया गया. महात्मा गांधी अंडरटूक अ फास्ट अनटू डेथ इन कलकत्ता एंड लेटर इन दिल्ली टू काम पीपल एंड डिस्पेल आउट ऑफ द मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी. इसके बाद महात्मा गांधी ने तुरंत ही अनशन रख दिया. फास्ट अनटू डेथ में अनशन, अनशन मतलब बिना खाए पिए रहना. कलकत्ता में उन्होंने अनशन किया और बाद में दिल्ली में लोगों को शांत कराया और शांति और सामंजस्य या तालमेल बिठाने का जो मैसेज था, जो संदेश था, वो लोगों तक पहुँचाया. ह्यूज रिलीफ कैंप्स फॉर रिफ्यूजीज वर सेटअप बाई द गवर्नमेंट, बहुत बड़े बड़े रिलीफ कैंप यानी लोगों को आराम पहुंचाने के लिए शरणार्थी जो इधर से उधर जा रहे थे उनके लिए सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े कैंप लगाए गए. सम ऑफ विच वर लेटर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट रेजिडेंशियल कॉलोनीज, बाद में कुछ को परमानेंट रेजिडेंशियल कॉलोनीज में बदल दिया गया यानी लोग लगातार वहीं पर रहने लगे. रिफ्यूजीज पुट इमेंस प्रेशर, शरणार्थियों के ऊपर जबरदस्त दबाव डाला गया ऑन द ऑलरेडी वीक इंडियन इकोनॉमी. द रिफ्यूजीज पुट इमेंस प्रेशर ऑन द ऑलरेडी वीक इंडियन इकोनॉमी, यानी पहले से कमजोर जो भारत की अर्थव्यवस्था चल रही थी उसकी वजह से भारत के ऊपर रिफ्यूजियों की वजह से और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, बहुत ज़्यादा दबाव हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अब प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इंडिया में जोड़ा गया.
ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मेनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड दैट दे वर रूल्ड बाई महाराजाज और नवाब्स। बहुत सारे कह रहे हैं स्वतंत्रता के समय बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको महाराजा और नवाब लोग संभाल रहे थे। इट वॉज अ ह्यूज टास्क फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए बहुत बड़ा काम था टू कन्विंस द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स टू ज्वाइन द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, इन राजाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि ये नए नए स्वतंत्र देश में अपने राज्य को जोड़ दें। ये एक बहुत ही कठिन समस्या थी, बहुत ही बड़ा काम था उस भारत की सरकार के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ की रोल इन परसुएडिंग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई इन राज्यों को भारत में जुड़ने के लिए, राजी करने के लिए कि वो भारत में जुड़ जाएं, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की रोल अपनाया। सो ही इज ऑफन कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसलिए इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक्सेशन टू इंडिया वॉज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। एक्सेशन टू इंडिया यानी भारत में जुड़ने का जो काम था वो थोड़ा सा मुश्किल था। किस किस राज्य के लिए? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको भारत में जोड़ने का काम थोड़ा मुश्किल था। द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़ इन गुजरात वॉन्टेड टू ज्वाइन इंडिया वाइल इट्स नवाब वॉन्टेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ जो कि गुजरात में था, यहाँ की जो जनता थी वो भारत में जुड़ना चाहती थी, लेकिन जो नवाब था वो पाकिस्तान में अपने जूनागढ़ को जोड़ना चाहता था। आफ्टर द नवाब फ्लेड टू पाकिस्तान, बाद में नवाब को पाकिस्तान भगाने के बाद अ प्लेबिसाइट वॉज हेल्ड, जनमत किया गया यानी लोगों से पूछा गया, वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने भारत में जूनागढ़ को जोड़ने के लिए अपना जनमत दिया। द रूलर ऑफ हैदराबाद कॉल्ड निजाम, हैदराबाद का रूलर जिसे निजाम कहा जाता था वॉन्टेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, वो हमेशा से स्वतंत्र ही रहना चाहता था। बट द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। द इंडियन ट्रूप्स एंटर्ड हैदराबाद, उसके बाद भारतीय सैनिक हैदराबाद में घुस गए एंड इट ज्वाइंड इंडिया इन 1948 और 1948 में हैदराबाद को इसमें जोड़ दिया गया भारत में। महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर वॉज अनश्योर अबाउट ज्वाइनिंग इंडिया और पाकिस्तान, महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर के थे वो भी अनश्योर थे यानी ये फैसला नहीं ले पा रहे थे कि वो इंडिया में जाएं कि पाकिस्तान में जाएं। व्हेन ट्राइब्समैन फ्रॉम पाकिस्तान क्रॉस द बॉर्डर, जब आदिवासी लोगों ने जो कि पाकिस्तान के थे उन लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया एंड डिफीटेड हिज ट्रूप्स और उनके सैनिकों को हरा दिया, तब हरि सिंह अपील टू इंडिया, तब हरि सिंह ने इंडिया से अपील करी, प्रार्थना करी फॉर हेल्प, मदद के लिए एंड एग्रीड टू ज्वाइन इंडिया, और उसके बाद ये भारत में जुड़ने के लिए तैयार हो गए। इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रेंच एंड पोर्चुगीज टेरिटरीज, फ्रेंच और पुर्तगाली यानी फ्रांस के लोगों और पुर्तगालियों के पास जो इंडियन हिस्से थे उनको कैसे एक किया गया, कैसे जोड़ा गया। इवन वाइल द रेस्ट ऑफ द इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम एंड चंद्रनगर वार अंडर द फ्रेंच ऑक्यूपेशन। इवन वाइल द रेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि बाकी का बचा हुआ भारत भी अंग्रेजों, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम और चंद्रनगर वर अंडर फ्रेंच ऑक्यूपेशन, ये सब फ्रेंच ऑक्यूपेशन ही फ्रांस के व्यवसाय में था। बाय 1954 दीज एरियाज वर हैंडेड ओवर टू इंडिया, इसके बाद 1954 से ये भी सारे इलाके भारत को सौंप दिए गए। सिमिलरली पोर्चुगल कंटिन्यू टू रूल ओवर गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, बिल्कुल इसी तरह पुर्तगाली जो लोग थे वो गोवा, दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली जैसे इलाकों पर कब्जा किए हुए थे। लोगों, पीपल ऑफ गोवा फॉट फॉर देयर फ्रीडम अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिस्ताव कूना, गोवा के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ाई करते रहे त्रिस्ताव कूना के लीडरशिप में। अल्टीमेटली द पोर्चुगीज टेरिटरीज वर इंटीग्रेटेड विद इंडिया इन 1961, आखिरकार पुर्तगालियों के हिस्से जो थे उनके जो इलाके थे उनको भारत में 1961 में जोड़ लिया गया। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बनना, संविधान कैसे बना। अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज द फ्रेमिंग एंड अडॉप्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट करना था स्वतंत्रता के बाद वो क्या था, वो भारत के संविधान को बनाना था और उसको स्वीकार करवाना था लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन अ प्रोसेस वेयर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड पार्टिसिपेटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन अ प्रोसेस, भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया गया यानी उसका खाका खींचा गया, यानी किसी चीज़ को तैयार करने से पहले जो प्लानिंग करी जाती है, तो इस तरीके का जो ड्राफ्ट था वो बहुत सारे लोगों के साथ किया गया जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से थे, उन्होंने इसमें भागीदारी करी, पार्टिसिपेट किया।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे यानी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 उसके बाद 1950 में संविधान स्वीकारने के साथ ही इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत जो है हमारा एक संप्रभुता संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम्स। अपने समय का संविधान जो था वो अपने समय का बहुत ही प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट यानी बहुत ही उन्नतिशील डॉक्यूमेंट था। उन्नतिशील यानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें लिखी गई थी जो कि देश को आगे और ज़्यादा प्रोग्रेस में ले जाएंगे, डेवलप करेंगी। इट क्लियरली मैंशन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें साफ साफ जो सरकार होगी उसकी बनावट दी गई थी। एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थी। इट ग्रांटेड यूनिवर्सल रेडियो फ्रेंचाइजी। इसमें यूनिवर्सल रेडियो फ्रेंचाइजी ग्रांट करी गई टू ऑल द सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं। इट गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसमें कानून के सामने सभी लोगों को समान रखने की गारंटी दी गई सभी नागरिकों को, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, चाहे वो किसी भी जाति को हों, किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी मत को मानते हों, उन सबको बराबरी के लिए कानून के सामने बराबर रखा गया। स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ विशेष शर्तें रखी गई, कुछ विशेष बातें बताई गई टू सम बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे यानी पिछड़े हुए जो लोग थे उनके लिए स्पेशल चीज़ें इसमें बताई गई। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश्ड। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की जो भावना थी लोगों के अंदर कि वो नीची जात का है, हम उसको छुएंगे नहीं, वो ऊंची जात का है, पानी नहीं पिएंगे, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो सब खत्म कर दी गई, उनको जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। एबॉलिश मतलब ख़त्म कर देना। थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर मैंशन। सब्जेक्ट्स की अगर बात करी जाए तो तीन तरीके की लिस्टों को बनाया गया है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची विद सब्जेक्ट। इसमें जो विषय थे वो टैक्सेस थे, डिफेंस यानी हमारा रक्षा मंत्रालय जो है, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले फॉर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते थे इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। फिर राज्य सूची बनाई गई, इसमें जो सब्जेक्ट थे वो स्वास्थ्य हेल्थ हो गया, एजुकेशन शिक्षा, दैट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद समवर्ती सूची बनाई गई, कॉन्करेंट समवर्ती, जिसमें दोनों के मिले जुले जो सब्जेक्ट हैं वो होते हैं उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट हैं उसमें फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर आता है, विच वुड बी द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इस कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की जिम्मेदारी इस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती थी। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का बनना, एज इंडिया वॉज अ वास्ट कंट्री। अब कह रहे हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इट वॉज नेसेसरी टू डिवाइड द कंट्री इंटू स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी कि इसे छोटी छोटी पॉलिटिकल यूनिट्स में बांट दिया जाए, जिन्हें राज्य कहा जाता था और यूनियन टेरेटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। द गवर्नमेंट सेट अप अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सरकार ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया यानी राज्य पुनर्निर्माण आयोग। विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश करी एंड रिकमेंडेड, और सिफारिश दी दैट द बाउंड्रीज एंड नीड टू बी रीड्रॉन, कि जो देश के राज्यों की सीमाएं हैं उनको दोबारा रीड्रॉ किया जाएगा टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, जिससे कि राज्यों को फिर से ऑर्गेनाइज किया जा सके ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषाओं के आधार पर किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके हिसाब से सभी राज्यों के फिर से रीड्राइंग की जाएगी उनकी बाउंड्री की। इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स फॉर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इस तरीके की सिफारिश फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स सिफारिश की वजह से कुछ अलग राज्य बने लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी जो अलग अलग तरीके की भाषा बोलते थे जैसे कि आसामीज, उड़िया, मलयालम, तमिल, कन्नड़ एंड बंगाली, ये सब अलग राज्य थे जो अलग तरीके की भाषा बोलते थे। द हिंदी स्पीकिंग एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्टेट्स। ऐसे हिंदी में हिंदी बोला जाने वाला जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा था उसको भी बहुत सारे राज्यों में बांट दिया गया। 1960 में मुंबई जो राज्य था उसे दो और राज्यों, मराठी और गुजराती स्पीकिंग करने वाले लोगों के बीच में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया जिनके नाम पंजाब और हरियाणा रखे गए। प्रेजेंट में हमारे पास 29 स्टेट्स हैं इंडिया में और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है जिसे दिल्ली कहा जाता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, योजना और विकास,
मेजर टास्क फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री वॉज टू डेवलप इट्स इकोनॉमी दैट वॉज डिवास्टेटेड बाई द मेनी ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल. नए नए स्वतंत्र भारत में जो मुख्य काम था वो क्या था, देश की आर्थिक व्यवस्था का विकास करना था, और जो उजड़ी हुई बहुत सालों से जो विदेशी शासन की वजह से हमारा उजड़ा हुआ भारत था या उजड़ी हुई जो उसकी इकोनॉमी थी उसको फिर से खड़ा करना था. इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी. गरीबी को जड़ से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से डेवलप किया जाए और जरूरी कदम उठाए जाएँ. प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950. इसके लिए भी योजना आयोग 1950 में सेटअप किया गया. इट्स रोल वॉज टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसकी भूमिका क्या थी, इसका रोल ये था कि मदद करनी थी इस कमीशन को डिजाइन करने में और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में यानी निकालने में जिससे कि देश का आर्थिक विकास किया जा सके. अ मॉडल ऑफ मिक्सड इकोनॉमी बेस्ड ऑन जवाहरलाल नेहरूज परसेप्शन वॉज डेवलप्ड वॉज अडॉप्टेड. यानी मिलीजुली अर्थव्यवस्था का जो एक मॉडल था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था या उनकी अवधारणा या उनके विचारों के हिसाब से था उसको स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया. दिस मॉडल वुड लेटर टू बी नोन एज द नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. बाद में इसे विकास का नेहरूवियन मॉडल के नाम से जाना गया. एंड इट स्टेटेड दैट, और इसमें बताया गया कि बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर, कि राज्य की यानी सरकारी और जो प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट टोल इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स. ये दोनों ही आपस में महत्वपूर्ण योगदान देंगे प्रोडक्शन को यानी देश में जो उत्पादन होता है, देश में जो चीज़ें बनती हैं उनको बढ़ाने में और लोगों को नौकरियों के मौके दिलाने में. स्टेट गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों ही साथ साथ चलेगा. दस इन इंडिया वी है बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइज. इस तरीके से हमारे भारत में पब्लिक यानी सरकारी और प्राइवेट इंटरप्राइजेस दोनों ही मौजूद हैं. द प्लानिंग कमीशन वॉज टू एलोकेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज टू ईच. इस तरीके से योजना आयोग ने हर इंडस्ट्री को स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज यानी पब्लिक इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को अपने अपने जो एरिया थे वो उनको एलोकेट करके दे दिए गए. एलोकेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज टू ईच यानी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज बांट दी. द प्लानिंग कमीशन डेवलप्ड द 5-year प्लान्स. प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई हुज इम्प्लीमेंटेशन वर मॉनिटर्ड बाई द कमीशन. जिनके लागू होने की जो मॉनिटरिंग है यानी वो किस तरीके से काम कर रही हैं ये सब कमीशन देखता था, आयोग देखता था. इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाई अनदर. 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया. फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाई द प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल एंड हारमोनियस रिलेशनशिप विद नेबर्स. भारत की जो विदेश नीति थी इज गाइडेड बाई प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल. उसका मार्गदर्शन शांतिपूर्ण रवैये से और पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बना करके या अच्छे संबंध बना करके सिद्धांतों के ऊपर काम करती थी. ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू पीसफुल मीन्स, जिससे कि रिजोल्यूशन हल निकाला जा सके अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, थ्रू पीसफुल मीन शांतिपूर्ण तरीके से. एंड अपोजिंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस, और सभी तरीके के जो अत्याचार हैं और जो भेदभाव होते हैं उनका विरोध कर किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से हर बात में शांतिपूर्वक तरीके से उसको सुलझाया जा सके. इस सिद्धांत के ऊपर भारत की विदेश नीति काम करती है. आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद द पंचशील और द 5 प्रिंसिपल्स बिकेम द बेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद पंचशील या 5 सिद्धांत की जो पॉलिसी थी वो भारत की विदेश नीति का आधार बना. दीज इंक्लूडेड नॉन एग्रेशन. इसमें क्या शामिल था पंचशील में, दीज इंक्लूडेड नॉन एग्रेशन की आक्रामक नहीं होना है. यदि किसी दो देशों के बीच में बात हो रही है तो उसमें आक्रामक या उग्र नहीं होना है. नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे देश आपस में दखलंदाजी नहीं करेंगे डोमेस्टिक मामले में यानी घरेलू मामलों में. एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और एक दूसरे से शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहेंगे. इस तरीके की ये पंचशील या 5 प्रिंसिपल्स भारत की विदेश पॉलिसी में रखे गए. दीज प्रिंसिपल्स वर डिस्कस्ड एट द बैंडंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955. ये जो सिद्धांत है ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस में 1955 में जो हुई थी, ये एक मीटिंग थी, जो मीटिंग थी इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया. वेयर लीडर्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका मेट. ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें एशिया और अफ्रीका के जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे उनके सभी नेता इस मीटिंग में मौजूद थे, तो वहाँ पर इस बात को रखा गया.
इंडिया हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल रोल इन मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया रिफ्यूज टू अलाइन विद आइदर ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मना कर दिया ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स, यानी जो गुट बनाने का जो सिस्टम था उसके ऊपर समझौते करने से भारत ने मना कर दिया। यानी देशों के बीच में एक या दो देश मिल करके आपस में गुट बना लें, इस तरीके का जो नियम था उसमें भारत ने साथ नहीं दिया, या ये समझौता उसने माना नहीं। द यूएसए एंड द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो कि पहले से ही यूएसए और यूएसएसआर में था, ये लोग गुटबंदी किए हुए थे आपस में, तो ऐसे ही भारत के सामने समझौता रखा गया लेकिन उसने मना कर दिया। बोथ द कंट्रीज अलॉन्ग विद देयर सपोर्टर्स वर एंगेज्ड इन अ कोल्ड वॉर। दोनों ही देश यानी यूएसए और यूनाइटेड यूएसएसआर, ये और इनके जो सपोर्टर्स थे, ये शीत युद्ध में यानी कोल्ड वॉर में एंगेज हो गए, व्यस्त हो गए। शीत युद्ध यानी आपस में ही मुँह जवानी जो है एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस करके या बातचीत करके लड़ाई झगड़ा करने का जो होता है सिस्टम, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध आपका, इसमें बातचीत के तरीके से ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो इस तरीके से दोनों देशों में ये होती रही बहस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू फ्लोटेड द आइडिया ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन को का विचार रखा, का आइडिया रखा, अलॉन्ग विद अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और इसमें इनके साथ दूसरे देश भी मौजूद थे स्वतंत्र देश, इनके नाम इजिप्ट और यूगोस्लाविया हैं। नाम कंट्रीज डिसाइडेड नॉट टू अलाउन विद एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स। नाम कंट्रीज यानी नाम से जुड़े हुए जो देश थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी पावर ब्लॉक्स में समझौता नहीं करेंगे, अलाइन नहीं करेंगे, एंड वर्क टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, और विश्व में, पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के ऊपर काम करेंगे या उसको प्रोत्साहन देंगे, प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे, इस चीज़ के लिए इन लोगों ने कहा। इंडिया इज अ, क्या करें, इंडिया इज़ अ की मेंबर ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस तरीके से भारत जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का की मेंबर भी है, सच एज ईस्ट एशिया समिट, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है इसमें भारत जो है की मेंबर है, यानी मुख्य भूमिका निभाता है। इन 1985 द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन वॉज फाउंड। क्या कह रहे हैं, 1985 में साउथ एशिया एशियन जो एसोसिएशन है, रीजनल कॉरपोरेशन जिसे सार कहा जाता है, ये तैयार किया गया टू प्रमोट पीस एंड कॉपरेशन एमंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी इस मदद से भारत और दूसरे देशों के बीच में जो कॉपरेशन है और जो शांति है, यानी सहयोग और शांति को प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए सार्क ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इंडिया एंड यूएन, भारत और यूनाइटेड नेशन